हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बाउट नंदीस ऑल इन वन। गाइज, आज हम बात करने वाले हैं ई-कॉमर्स वेंचर्स लिमिटेड आईपीओ की, यानी कि नायका आईपीओ। नायका के आईपीओ को सेबी की ओर से मंजूरी मिल गई है। इस कंपनी का आईपीओ कुछ ही दिनों में आते हुए आपको देखने को मिलने वाला है। नायका आईपीओ की साइज 4,000 करोड़ तक हो सकती है। ये कंपनी आईपीओ के जरिए 525 करोड़ जुटाने की योजना बना रहा है। तो आज इस कंपनी से जुड़ी कुछ खास बातें जान लेते हैं, जैसे कि कंपनी क्या करती है, कंपनी का फाइनेंशियल कैसा है, कंपनी के कौन से प्रमोटर है, कंपनी का आज तक का ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, इस सभी का रिव्यू इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, ये कंपनी की शुरुआत हुई थी 2012 में। नायका कंपनी कंज्यूमर टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म उपभोक्ताओं को कंटेंट आधारित लाइफस्टाइल रिटेल अनुभव प्रदान करता है। कंपनी के पास सौंदर्य, व्यक्तिगत देखभाल और फैशन उत्पादकों का एक विविध पोर्टफोलियो है, जिसमें उनके द्वारा निर्मित अपने ब्रांड के उत्पादन भी शामिल है। कंपनी दो प्रमुख कार्य क्षेत्रों के तहत काम करती है। एक है नायका सौंदर्य और व्यक्तिगत देखभाल, दूसरे नंबर पर है नायका फैशन, परिधान और सहायक उपकरण। सौंदर्य और व्यक्तिगत देखभाल की पेशकश के तहत कंपनी के पास मुख्य रूप से मेकअप, स्किन केयर, हेयर केयर, स्नान और शरीर के 2,476 ब्रांडों में से 197,195 एसक्यूज है। 31 मार्च 2021 तक सुगंध, सौंदर्य उपकरण, व्यक्तिगत देखभाल और स्वास्थ्य और कल्याण श्रेणियां सौंदर्य और व्यक्तिगत देखभाल के पेशकश के लिए नायका का व्यवसाय मुख्य रूप से इन्वेंटरी आधारित है। कंपनी तीसरे पक्ष के निर्माताओं के माध्यम से अपने स्वामित्व के ब्रांड सौंदर्य और व्यक्तिगत देखभाल उत्पादकों का निर्माण करती है और उनके ब्रांड नाम जैसे नायका कॉस्मेटिक, नायका नेचुरल और के ब्यूटी के तहत बेची जाती है। परिधान और एसेसरीज वर्टिकल में 1350 ब्रांड और 1.8 मिलियन से अधिक एसक्यूज शामिल है, जो 4 उपभोक्ता और डिविजनों में फैशन उत्पादकों के साथ है। महिलाएं, पुरुष, बच्चे और घर नायका फैशन के 6 स्वामित्व वाले ब्रांड है। कंपनी अपने ग्राहकों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रदान करती है। ऑनलाइन चैनल में मोबाइल ऐप, वेबसाइट और मोबाइल साइट शामिल है, जबकि ऑफलाइन चैनल में भारत के 38 शहरों में फैले 73 भौतिक स्टोर शामिल है। कंपनी की कंपेटिटिव स्ट्रेंथ की बात करें तो भारत के प्रमुख विशेषताओं सौंदर्य और व्यक्तिगत देखभाल करने वाली कंपनियों में से एक है। बिक्री के लिए नायका कंपनी मंच पर अपने उत्पादकों की पेशकश करने वाले प्रमुख ब्रांड, मजबूत विकास और लाभ प्रदान के साथ पूंजी कुशल व्यवसाय कंपनी के उन्नत प्रौद्योगिकी मंच है। कंपनी के पास एक अनुभवी प्रबंधन की टीम और संस्था की नेतृत्व वाली कंपनी है। नायका कंपनी की प्रमोटर की बात करें तो फाल्गुनी नायर, संजय नायर, फाल्गुनी नायर फैमिली ट्रस्ट और संजय नायर फैमिली ट्रस्ट कंपनी के प्रमोटर है। कंपनी की जो खास बात है वो है कंपनी का फाइनेंशियल। उससे हमें पता चल जाता है कि कंपनी के आईपीओ में हमें अप्लाई करना है कि नहीं करना है। कंपनी के टोटल एसेट, टोटल रेवेन्यू और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो आंकड़े मिलियन में दिए है। साल 31 मार्च 2019 में कंपनी को 245.39 मिलियन का नुकसान था, लेकिन कंपनी का रेवेन्यू काफी अच्छा था। 31 मार्च 2020 में कंपनी नुकसान रिकवर करके 163.40 मिलियन का नुकसान रह गया था। कंपनी का एसेट और रेवेन्यू मार्च 19 के मुकाबले डबल होता हुआ देखने को मिल रहा है। साल 31 मार्च 2021 में कंपनी मुनाफे से आकर 119.45 मिलियन का प्रॉफिट किया। कंपनी के तीनों साल के मुकाबले 2021 में कंपनी का एसेट, रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी फाइनेंशियल आंकड़ों से कंपनी प्रॉफिट में चलती हुई देखने को मिल रही है। नायका कंपनी पहली ऐसी यूनिक कंपनी है जो बाजार में लिस्ट होने जा रही है। ये कंपनी का आईपीओ का शेयर अपने पोर्टफोलियो में रखने जैसा है। कंपनी द्वारा इश्यू लाने का उद्देश्य कंपनी के नए रिटेल स्टोर की स्थापना, वित्त पोषण के लिए और कुछ सहायक कंपनियों यानी कि एफएनएस ब्रांड में नायका फैशन निवेश करेगी। कंपनी द्वारा किए जाने वाले पूंजीगत व्यय और उनकी कुछ सहायक कंपनियों यानी कि नायका ई रिटेल, नायका फैशन और एफएनएस ब्रांड में नए गोदामों की स्थापना के वित्त पोषण के लिए निवेश करेगी। कंपनी के पुनः भुगतान या पूर्व भुगतान पूर्ण या आशंकित रूप से कंपनी उनकी सहायक कंपनियों में से एक कंपनी नायका ई रिटेल द्वारा लिए गए कुछ उदारों को पूरा करने में करेगी। अपने ब्रांड की दृश्यता और जागरूकता बढ़ाने के लिए और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों को पूरा करने में करेगी। गाइज, ये कंपनी का आईपीओ अक्टूबर एंड में या फिर नवंबर की शुरुआत में आ सकता है। इस कंपनी की ऑफिशियली डिटेल और टाइम टेबल की जैसे ही अपडेट आएगी मैं आपको अपडेट दे दूंगा। अब हम बात करते हैं कंपनी की ग्रे मार्केट प्रीमियम की। 15 अक्टूबर का जीएमबी 650 रुपए चलता हुआ देखने को मिल रहा है। जैसे ही कंपनी की ऑफिशियली अनाउंस होगी इसके प्रीमियम आपको बढ़ते हुए देखने को मिलने वाला है। एप्लीकेशन रेट की बात करें तो 700 रुपए चल रहा है। सब्जेक्ट रेट की बात करें तो यहाँ पे 15 अक्टूबर का 7000 रुपए चलता हुआ देखने को मिल रहा है, यानी कि अंदाज मान के चल सकते हो कि आपको 7000 के ऊपर ही आपको प्रॉफिट मिल सकता है।
तो गाइज इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें क्योंकि मैं ऐसी ही नई वीडियो लाऊंगा, नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाएगी। धन्यवाद।